दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन इस बार ये आवाज़ अक्षय कुमार को साफ साफ सुनाई दे रही है। आज के टाइम में अक्षय कुमार 3 फ्लॉप फिल्मों का जिम्मा अपने कंधों पे लिए हुए हैं और किसी हिट फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। सम्राट पृथ्वीराज के सामने भी बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी है। ठीक इसी समय भूल भुलैया 2 को जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसको देख के अक्षय कुमार भी सोच रहे होंगे कि काश मैंने ये फिल्म क्यों नहीं की। आखिरकार भूल भुलैया की जो फ्रेंचाइजी है वो अक्षय कुमार के नाम ही तो है। अक्षय कुमार ने ही भूल भुलैया फिल्म में काम किया था, लेकिन जब तक भूल भुलैया 2 बनने का समय आया, अक्षय ने अपनी फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। इतनी ज़्यादा कर दी कि इसके मेकर अक्षय कुमार को अफोर्ड नहीं कर पाए और अक्षय कुमार की जगह उन्होंने कार्तिक आर्यन को इस फिल्म में लीड रोल में रखने का फैसला किया। और आज भी यह गलती अक्षय कुमार को चुभ रही होगी। अक्षय कुमार के करीबियों ने बताया कि अक्षय को दुख है कि इतनी फिल्में एक साथ डूब गई। अब अक्षय को सम्राट पृथ्वीराज की फिल्म से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। अगर भूल भुलैया को अक्षय कुमार ने किया होता तो ये रिस्पॉन्स अक्षय कुमार को आया होता। जब से हमारे अक्षय भैया गुटके वाले रस्ते पे चल दिए हैं, अक्षय कुमार को उसके बाद अपने फैन से माफ़ी भी मांगनी पड़ी। और पता नहीं अब वो इमेज कब वापस आएगी अक्षय कुमार की, जो इस गुटका की एड की वजह से डूब चुकी है। इस समय अक्षय कुमार एक अंधेरे रस्ते पे चल पड़े हैं। उम्मीद है जल्दी वापस आ जाएंगे। हो सकता है इसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त लग जाए उनको, लेकिन वो जल्दी लौट के आएंगे, क्योंकि अक्षय कुमार ने बिना किसी नेपोटिज्म के अपनी मेहनत के बल पे यह मुकाम हासिल किया कि आज बॉलीवुड के कुछ बेहतरीन अभिनेताओं में उनका नाम गिना जाता है। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, आपकी क्या राय है अक्षय कुमार की भूल भुलैया 2 ना करने की गलती के बारे में? तो आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या अक्षय कुमार को ही होना चाहिए था भूल भुलैया 2 में? अगर वो भूल भुलैया 2 में होते तो क्या फिल्म इससे अच्छा रिस्पॉन्स कर पाती? आपकी जो भी राय है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए।